ये वाकई आज का दिन जो है वो बेहतर नहीं पहाड़ के लिए, क्या प्रतिक्रिया हो गई? ये बहुत दुखद है, हम बहुत स्तब्ध हैं इस बात से। और हल्द्वानी हमारी बहुत ही शांत और बहुत ही एक भाईचारे वाली वो है, हमारी राजधानी, हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है हल्द्वानी, हमारी शान है, उत्तराखंड का अभिमान है हल्द्वानी। हल्द्वानी में इस तरीके की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस समय मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं केवल शांति की अपील करना चाहूंगा सभी पक्षों से, कोई उत्तेजना का व्यवहार न कर, जितना हो गया यही हमको शर्मसार करने के लिए और दुखी करने के लिए काफी है। आप कोई भी आगे ऐसी चीज न हो जिससे उत्तेजना फैले, इसका प्रत्येक पक्ष को ध्यान रखना चाहिए, प्रशासन भी संयम रखे और दूसरे लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि वो जो है शांति रखें। और क्या ये कोशिश होनी चाहिए कि राजनीति ना हो? बिल्कुल, न तो राजनीति होनी चाहिए, न आप कोई व्यक्ति जो है गलत उत्तेजना फैलाए, न अफवाहें फैलाएं, और पूरा सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। और मैंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई है और मैंने उनसे कहा है कि अपने अपने तरीके से लोगों से बातचीत करिए स्थिति को डिफ्यूज करने में। एक एक आदमी वन वन मैन कॉन्टेक्ट करके यदि हम हल्द्वानी का वास्ता दे करके लोगों से बात करेंगे तो फिर हमारी 24 घंटे के अंदर पुरानी हल्द्वानी बन जाएगी, जिस हल्द्वानी पर हम सबको नाम। क्या ये मान लिया जाए कि ये पुलिस की कार्रवाई या प्रशासनिक कार्रवाई को सवालों के घेरे में नहीं लाया जाएगा? देखिए, ये इस समय में इन सब बातों पर नहीं जाना चाहता, मैं केवल ये चाहता हूँ कि तत्कालिक आवश्यकता है कि दोनों पक्ष संयम रखें और शांति रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश रावत जी न्यूज स्टेट के साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत, उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि संयम रखे लोग और प्रशासनिक अमला अपने तरीके से जो कार्रवाई कर रहा है संयमित तरीके से कार्रवाई हो, लेकिन सवाल कई हैं। सवाल ये कि जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई तो एक पक्ष को इतना नागवार क्यों गुजरा, पहले पथराव फिर आग लगा दी गई। अरविंद जयतिलक जी, आपने सुना करण महारा को, प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, कार्रवाई के विरोध में वहाँ कुछ उपद्रवी अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, आगजनी की गई और उनके पास शायद ये भी सूचना है कि अवैध असलहों से उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर फायरिंग भी की और कुछ पुलिस के गाड़ियों को जलाने की सूचना है, थाने के आसपास भी तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना है। तो घटना की जैसे ही सूचना मिली वहाँ तुरंत जो हमारे DIG कुमाऊँ हैं वो भी मौके पर पहुँचे और आसपास के जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल भी वहाँ भेजा गया है और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा MHA से इसमें अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई और 4 कंपनी हमें एडिशनल सेंट्रल फोर्सेस भी तत्काल MHA द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने आवास पर थोड़ी देर पहले एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई, उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्य सचिव महोदय, मैं, हमारे ADG लॉ एंड ऑर्डर और सूचना निदेशक, हम सभी लोग वहाँ थे और स्थिति का जायज़ा लिया गया और अभी फ़िलहाल स्थिति वहाँ पे नियंत्रण में है। जो जानकारी मुझे अभी तक मिली है, कई संख्या में जो पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग चोटिल हुए हैं उनको वहाँ स्थानीय अस्पतालों में दाखिला कराया गया है। फ़िलहाल किसी कैजुअल्टी की सूचना नहीं है, स्थिति जहाँ तक मेरी जानकारी है तनावपूर्ण है पर नियंत्रण में है और हम लोग के पास इस पूरे घटनाक्रम की डिटेल अलग अलग जगह पे जो जो इसमें उपद्रव किया गया है उसकी सारी फुटेज है और आने वाले इस घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया है और आने वाले दिनों में जो भी उपद्रवी तत्व इस घटना के पीछे थे उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इससे पहले SCM थामी की बैठक का अधिकारियों के साथ निर्देशित किया है। लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए अरविंद जी, आपकी जी। बातों को, हालांकि किसी पक्ष को चुप सकती है, आपने बेबाकी से ये बात कही, लेकिन जो चीज़ें हैं
जो वास्तविकता है, जो धरातल पर चीजें देखी जाती है, ना हम इधर उधर की बात करते हैं पत्रकार, वो धरातल की बात करते हैं कि स्थिति क्या है। जब आप उसकी बात करते हैं तो कुछ लोगों को उस पर वो बातें गलत भी लगती हैं। बिल्कुल राहुल जी, देखिए पत्रकार जो है, हम हैं, आप हैं या कोई पत्रकार जो है, वैशाली का नगर वधू नहीं है जी। हम लोग जो है स्वतंत्र विचार रखते हैं, राष्ट्रहित में अपनी बात कहते हैं। अभी आदरणीय फैजल भाई कह रहे थे कि 4.5 लाख लोगों को नोटिस दिया गया, चालान किया गया। अभी मैं देख रहा था हल्द्वानी की जनसंख्या ही 2.25 लाख है, काठगोदाम को मिलाकर के 3.5 लाख के आसपास है। सवाल यह है कि इस तरह के जो है अनर्गल प्रलाप, अभी जो रिपोर्ट आ रही है तो पता वही बता दीजिए पहले से ही छतों पर पत्थर रखे हुए थे। उनकी दलील है कि जो सरकारी जमीन है उस पर जो है मदरसा बने, अवैध मस्जिदें बने, मजारे बने, मंदिर बने, ये कदापि नहीं होना चाहिए। उनको जानकारी में होना चाहिए कि लगभग जो है 4.5 दर्जन जो है मंदिरों को भी ध्वस्त किया गया है, आसपास जो उनके कमरे हिंदू बस्तियां थी उनको भी ध्वस्त किया गया है, कोई भी तो हिंदू जाकर के वहां पर प्रतिरोध नहीं किया। ये सीधे तौर पे मैं जो पहले बात कहा कि ये अराजक तत्वों का जो मजारे हैं, जो अवैध तरीके से बने हैं, अड्डा बन चुका है, राष्ट्र विरोधियों का वो जमावड़ा हो रहा है, और ये पूरे प्लान के तहत जो है ये कहीं ना कहीं जो दंगा भड़का करके देश की छवि खराब करना चाहते हैं, राज्य सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं, एक नया एजेंडा इस देश में लागू करना चाहते हैं, उन विपक्षी दलों को मौका देना चाहते हैं जो कि जो राष्ट्रवाद के खिलाफ जो एक मुहिम चला रखे हैं, ये इन लोगों के खिलाफ, चाहे जो ये बैठ करके फैजल साहब को यहाँ अरविंद जी एक चीज करेक्ट करना चाहता हूँ, जो उन्होंने 4.5 लाख लोगों को भेजा है, ना कि भवनों को लेकर भेजा, और नोटिस निगम का क्या है, टैक्स बकाए का नोटिस है, ये तो बात कहीं का कहीं घुमा दे रहे हैं। अरे तो बिल्कुल ये भी पिछले मई की बात है, 23 की बात है, तो सब अवैध को तोड़ेंगे ना। अवैध की क्या बात है सर, कहा क्यों भरमा रहे हैं लोगों को? अवैध और वैध का मतलब क्या है? टैक्स, हाउस टैक्स का नोटिस भेजा गया है, हाउस टैक्स का नोटिस भेजा गया, कम से कम चीजें तो सही बताइए फैजल साहब, क्यों दूसरे के जमीन बरगला रहे हैं लोगों को, जमीन पर जा करके कब्जा करते हैं, वही अवैध है। ये किसने इस देश में, किस संविधान में लिखा है कि आप जाकर के सरकारी जमीन पर मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, गुरुद्वारा बनाएंगे, चर्च बनाएंगे, ये कहां लिखा है? और जो अगर कोई बनाया तो उसे बिल्कुल ध्वस्त किया जाना चाहिए, नष्टनाभूत करना चाहिए। नहीं, बाकी सब नष्टनाभूत कर दीजिए, एक पक्ष की चीजें वैसे ही रहने दीजिए फैजल साहब के मुताबिक। हाँ हम बता रहे हैं, ये देश बता हो गया तो हम चलता है आपको। हाँ फैजल साहब, आप ही बताइए। अब देखिए हमारे यहाँ पत्रकार की स्थिति क्या है, पूरी दुनिया में 170 में 150वां स्थान हम लोग का है। ठीक है, आप ही सर्टिफिकेट देने वाले हैं, देने दीजिए, देने दीजिए। हमें पूरी दुनिया में रेटिंग है, तो हम लोग को पत्रकार से कुछ कहने ही नहीं है, हम लोग तो मन बना के बैठे, हमको तो बुला लिया। हाँ तो यही मेरे ही शो में बैठकर दर्शकों को भरमा रहे हैं कि 4.5 लाख लोगों को नोटिस दिया गया, मकानों को नोटिस दिया गया है, उनको तोड़ा क्यों नहीं जा रहा है? आप ये नहीं बता रहे कि उनको टैक्स के लिए नोटिस दिया गया? कहां की बात है, कहां लेकर गए? मई की बात है, आप यहां फरवरी में लेकर बैठे हैं, गलत गलत इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं? 14 मंदिर कौन तोड़ेगा वो भी दिखा दीजिए हमको, आप दिखा रहे हैं ना, तो 14 मंदिर भी दिखा दीजिए कौन से तोड़े गए। हल्द्वानी प्रशासन के पास मंदिर भी दिखाया है, आप जाइए अभी दिखाइए कि 14 मंदिर कौन तोड़े है, और मामला हाईकोर्ट तक चल रहा है, अभी अभी मामला विचाराधीन है। वो मामला क्या है उस पर, वो मामला क्या है भी ये लोग तोड़फोड़ कर दिए? नहीं, वो मामला क्या है, ये दंगा जो हुआ है ना, सुनिए, आप कहीं जाइए, जमीन कब्जा कर लीजिए, निर्माण कर लीजिए, कोर्ट चले जाइए, गैंग है, सुन लीजिए, एक दंगा गैंग है जो आश्रमों में पलती है। राम रहीम को जब सजा हुई, 4 जिला को तबाह कर दिया उस दंगा गैंग ने, दंगा हमेशा। आज हल्द्वानी को तबाह करने की कोशिश हल्द्वानी को किसने की? पाले जाते हैं हल्द्वानी को तबाह करने की कोशिश किसने की? फैजल साहब, फैजल साहब, हल्द्वानी को तबाह करने की कोशिश किसने की? बाहर से दंगाई गए हुए हैं, बाहर से प्रायोजित, सरकारी प्रायोजित, UCC का विरोध नहीं किया मुसलमानों ने, इसलिए इस तरह की घटनाएं कराई जा रही है, प्रायोजित दंगा है, इसकी जांच निष्पक्ष कराइए, मालूम हो जाएगा कि दंगाई कौन है। तो ठीक है, अगर कल को जांच होती है तो पीड़ा नहीं होनी चाहिए? नहीं, जांच कराइए इसका निष्पक्ष,
लेकिन सिर्फ सीधे मुसलमानों को कह देना कि मुसलमान नहीं तो कह रहा था, फिर आप आ गए उसी पर। हालांकि ये न्यूज़ स्टेट भी अपील कर रहा है हल्द्वानी के लोगों से, ये अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, ऐसा कुछ ना करे कि शांति व्यवस्था भंग हो। यही कोशिश है कि हल्द्वानी की जो तस्वीर पहले थी वही तस्वीर रहे, ऐसी तस्वीर वाकई भविष्य में ना आए। मैथिली साहब घुमा फिराकर बात आप ही पर, जोशी साहब है आप, आवाज आ रही है? जी जी जोशी साहब, ठीक है उत्तराखंड अलग हो गया और आप लोग पहाड़ भी नहीं चढ़ पाए, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भी आप लोगों ने वही किया है और हल्द्वानी बहुत दूर नहीं है, ये सीमांत इलाके उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, बहुत तो उत्तर प्रदेश से भी जाकर वहां बसे होंगे। देखिए राजपूत जी, आज जो जरूरत है, मैं कांग्रेस के दोनों नेताओं को, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री को सुन पा रहा था और उनकी भावनाओं से अपने को जोड़ते हुए हल्द्वानी की जो जाम आवाम है उनसे शांति की अपील करना चाहता हूं। लेकिन एक प्रश्न उन्होंने उठाया था, उस प्रश्न की गंभीरता को भी समझना चाहिए। वो कौन से अधिकारी है जो इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे थे, जिसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो हमारे साथी ने कहा है कि निश्चित तौर पे निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए, दंगा कैसे संभव हो पाया, प्रायोजित है नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी निकल पाएगा, निश्चित तौर पे बहुत सारे यक्ष प्रश्न खड़े हुए, उनका हल होना। बात तो सही कही आपने, लेकिन जो पहले से ही छतों पर पत्थर रखकर बैठे हो उनके लिए क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर